आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये अजीत सर हैं और किसी भी शिक्षक का सुंदर फल सुंदर छात्र होता है और वह एक प्रतिफल उनके बगल में बैठा हुआ है और यह गौरवान्वित है कि आज मेरा शिष्य मेरे द्वारा पढ़ा और MBBS कंप्लीट किया, MBBS का छात्र है, ये नीट कंप्लीट किया और इनका मेहनत है। ये हैं पुष्पांशु, आपका क्या नाम हुआ? पुष्पांशु जी, आप अजीत सर से पढ़े? जी जी। क्या माने अजीत सर कैसे थे, कैसे पढ़ाए आप, आपने कैसा मेहनत, आपके मेहनत में इनका क्या योगदान रहा अजीत सर का? नहीं, सर का तो सबसे फर्स्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सर का बहुत बड़ा रोल रहा। जब हम 12th किए थे उस समय मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं था फिजिक्स में, तो सर के पास आए तो फिर उसके बाद सर का जो पढ़ाने का शैली था, तरीका था, वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सर सबसे पहले जो था बहुत बेसिक से बताते थे, जो एकदम सबसे जो स्टूडेंट को जिस चीज़ में दिक्कत आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो था कि सबसे पहले सर वो चीज़ को समझाते थे और डेरिवेशन से पूरा एक्सप्लेन करते थे। और सेकंड बात था कि सर एग्जांपल के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर देते थे क्लास में, ताकि बच्चे को फिर प्रैक्टिस करने में आगे क्वेश्चन दिक्कत ना हो। तो ये सब फ़ायदा मिला और सर बहुत अच्छे से गाइडेंस भी देते रहे, रेगुलर डाउट क्लासेस वगैरह जो भी होता था सर बताते थे। तो मेरा मोस्ट जो तो मेरा डाउट था वो हमेशा सर जब पढ़ाते थे तो उसी में क्लियर जाता था, क्योंकि सर बहुत बेसिक से बताते थे और बहुत अच्छा हमको लगता था। उसी का प्रतिफल है कि आप नीट निकाले और नीट में अच्छे मार्क्स से आए और आप अभी MBBS के NMCH का छात्र हैं। जी जी। बहुत सुंदर। अजीत सर भी साथ में बैठे हुए हैं और इनके भी लबों पर मुस्कान है, और क्यों नहीं रहेगा मुस्कान, क्योंकि कोई भी गुरु का और शिष्य और उन्हीं की तरह हो तो मुस्कान तो भाई बनता है। तो अजीत सर, आपकी मुस्कान का भाई कुछ कारण पूछना चाहते हैं कि भाई आपके बगल में शिष्य बैठा हुआ है तो आप कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मुस्कान देखिए, ये तो स्वाभाविक रहता है हम लोग का। जब कोई बच्चा अच्छा करता है, सफलता मिलती है, तो मुस्कान अपने आप आता है स्वतः। अदरवाइज हम लोग जनरली सीरियस ही रहते हैं, लेकिन इसी क्षण का इंतजार रहता है कि अपने आप मुस्कान चेहरे पे आए। और रिजल्ट तो इसका पहले ही आया था, क्लास में भी बच्चों से इंटरेक्शन करवाए थे, तो बहुत दिन बाद जब कोई मिलने आता है दोबारा तो बहुत अच्छा फील होता है कि अच्छा ये अभी भी कनेक्टेड है स्टूडेंट। तो इसलिए अपने आप वो स्वतः जो होता है ना, स्वतः स्फूर्त मुस्कान वो जी, है। जी जी जी, बहुत सुंदर सर, ये अजीत सर का प्रतिफल है। और सचमुच में ये कोचिंग का आज से नाम नहीं, बहुत दिनों से ये इंस्टीट्यूट का नाम है, अजीत कुमार सिंह जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और इनका प्रतिफल है कि जो बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़े, इनकी बातों को फॉलो किया, जैसे इन्होंने पुष्पांशु ने बताए कि बहुत बेसिक से बताते हैं और अगर वो बच्चे फॉलो किया और उसका जो एम है, जो भी एम हो, वो IIT एम हो या नीट एम हो, तो निश्चित ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो धन्यवाद पुष्पांशु, और अजीत सर को भी धन्यवाद। और देखिए पुष्पांशु इतना इम्प्रेस हैं सर को कि ये अपने भाई को भी लाए हैं, ये कि भाई भी इनका जो है, आपका क्या नाम है बाबू? आनंद देव। ये भाई भी यहाँ पढ़ने के लिए, यही होता है कि एक छात्र और दूसरे छात्र को प्रेरित करते हैं जब वो एक अच्छे बनते हैं। तो आपको भी धन्यवाद और शुभकामना होगा कि आप भी नीट की तैयारी यहाँ करेंगे। हाँ, तो अजीत सर से ये भी फिजिक्स पढ़ने आए हैं और अपेक्षा है, उम्मीद है कि ये भी जो एम और लक्ष्य लेकर के आए हैं वो पूर्ति करेंगे। तो सर को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और उनके छात्र को भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका ये जो ट्यूशन सेंटर है इसी तरह नाम रोशन करते रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।